Sorry, as always, tell us something about your outfit. It's a pretty sari. I'm in an Indian outfit after a very long time. Yes. But of course, the sari is very much more popular. Yes. Share with me a little bit of your experience. So, I'll give you a sari. Yes. साउथ अफ्रीका जाके आए रोहित सर के साथ तस्वीरें, क्या कुछ हुआ वो सेट पे, किस तरह का अपीयरेंस था? इट वाज प्रीटी एक्साइटिंग. आई वाज कॉल्ड एज अ चैलेंजर टू साउथ अफ्रीका इन खतरों के खिलाड़ी. और आपको जब एक चैलेंजर की तरह बुलाया जाता है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालातों से आपको गुजरना पड़ता है स्टंट्स के. एंड मुझे दो स्टंट्स दिए थे वहाँ करने के लिए. काफी सारे खिलाड़ी है वहाँ पे. जी वहाँ पे काफी सारे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब इतना बड़े बैलेंस्ड है. इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं देते आते हैं वेरी वेरी वेल. सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं. उन्हें डर भी लगता है ना, तो भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं. तो आई एम रियली हैप्पी विद ऑल द कंटेस्टेंट्स जिनसे मैं मिलते रहे और बहुत प्यारे लोग. रोहित सर से काफ़ी समय बाद लास्ट टाइम भी आप गए थे कतरू में, तभी हमने देखा था काफ़ी धमाल हुआ था. इस बार किस तरह का बॉन्ड था आपका रोहित सर? बहुत ही अच्छा. रोहित सर तो हमेशा ही बहुत वेलकमिंग होते हैं और वो मेरी शक्ल देख के मेरे को ज़्यादा टफ वाला स्टंट दे देते हैं. यस, बट आप हमेशा अच्छे ही करते हैं टफ स्टंट भी. पिछली बार हमने अच्छा ही किया था, तो इस बार का मजा है कि कार वाला स्टंट. बिग बॉस ओटीटी देख पा रहे हो?